नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं, जो भारत की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। वो चैनल आप देख रहे हैं, भारत लाइव। इस वक्त हम कहाँ हैं, इससे भी ज्यादा जरूरी आपके लिए ये जानना है कि इस वक्त हम क्यों हैं। दरअसल बिहार में कोरोना की स्थिति है, पूरा देश जो है परेशान है, पूरा राज्य परेशान है। बिहार सरकार ने पिछले 4 महीने से हुई है। ऐसे में जो आप भी अगर अपने घर में होंगे तो घर में रहते रहते लोग बोर हो जाते हैं, तो लोग ऐसे ही घूमने टहलने निकल जाते हैं। तो अगर बात करें, बिहार के सारे विद्यालय भी बंद है, चाहे निजी हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, सभी विद्यालय बिहार के बंद है। तो विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो तो अपने घर में हैं और घर में अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकलने के लिए पिज्जा बर्गर खिलाने की जिद कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बीच में एक बड़ा सवाल जो होता है, जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया था, स्कूल के बेंच डेस्कों के बारे में हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आखिर वो भी तो बोर हो रहे होंगे, उसे भी तो बाहर निकलना होगा। तो इसे जो है, जब कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति हो जाए तो वो बर्दाश्त से बाहर की बात हो जाती है। तो इस वक्त हम आप पटना के बाकीपुर विधानसभा क्षेत्र के द्वारका हाई स्कूल के सामने, जहाँ के स्कूल का जो है, हाई स्कूल के जो बेंच डेस्क इतने उतावले हो गए, लॉकडाउन से इतने परेशान हो गए कि स्कूल की बाउंड्री को तोड़ करके डेस्क है वो बाहर निकल गया है। हम आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा ये दिखाएं कि स्कूल की बाउंड्री को तोड़ करके जो ये डेस्क है, अभी तुरंत जो है थोड़ी देर पहले स्कूल की बाउंड्री को तोड़ करके ये डेस्क बाहर निकल गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है जो भारत लाइव की टीम आपको लगातार दिखा रही है। तो और जो बात करें, आखिर इस डेस्क की जो बात करें, तो इसके साथ साथ जो दीवार ईंट लगी हुई थी, वो सभी लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन का शिकार हो गई थी, कोरोना का शिकार हो गई थी, तो उसे भी बाहर घूमने का मन हो रहा था। तो ऐसे में अगर बात करें, यहाँ की ईंटों की भी बात करें, जो स्कूल का जो महाविद्यालय का जो परिसर है, देखिए अभी भी जो है, अगर हम आपकी बात करें तो ये डेस्क जो है बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सभी इसे रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये एक होता ना कि जैसे आपके बच्चे घर में बैठे बैठे नहीं मान रहे हैं कि उसे बाहर जाना है, तो और लॉकडाउन को नहीं मानना चाह रहे हैं, उसी तरह ये डेस्क भी जो है अब बिल्कुल स्कूल में नहीं रहना चाह रहा है। 4 महीने से अधिक हो गए लॉकडाउन है, अब चलिए अब हम क्या करें, जब जाना ही था इसको तो। लेकिन एक जो बड़ी बात आ रही है आपको बता दें, तो ये तो हो गई सटायरिकल बात कि बेंच डेस्क जो है आपको यहाँ नहीं रहना चाह रही है स्कूल में, तो इसको बाउंड्री को तोड़ करके जो है द्वारका स्कूल का जो बेंच डेस्क है, अभी तुरंत आपको दिखा आपने कि कैसे हम पकड़ रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा, बाहर निकल रहा है। ईंटों की बात करें तो वो भी बाहर निकलते जा रही है। तो ऐसे में एक जो बड़ी बात है, अगर बात करें द्वारका हाई स्कूल की बात करें तो बाकीपुर विधानसभा के क्षेत्र में आता है, और इसके जो बाउंड्री का जो है, किसी भी स्कूल के बाउंड्री का जो रखरखाव का जो खर्च होता है, मरम्मत की जो बात होती है, वो विधायक के अंतर्गत आता है। तो क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, कैमरा हम तो लाइव ही दिखा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की अगर आप बात करें, तो नीतीश कुमार पहले से ही कुछ दिन से पुल पुलियों को लेकर के परेशान थी, लॉकडाउन का पालन जो है पुल पुलिये नहीं कर रहे थे, वो भी पुल पुलिये उद्घाटन से पहले ही घर से भाग जा रहे हैं, अपने जगह से भाग जा रहे हैं। ऐसे में तो वहाँ जो विकास जो सरकार बताती है, पुल पुलियों को बताती है, और सबसे ज़्यादा अगर सड़क की बात करती है, तो वहाँ तो कि क्या स्थिति हो रही है, वो बच्चे जो है बस में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप शिक्षा की बात कर रहे थे, तो शिक्षा की गुणवत्ता की तो बात बाद में, लेकिन विद्यालय परिसर का जो ये बाउंड्री है, जो बेंच डेस्क हैं, वो भी अब नीतीश कुमार के जो अगर बात करें नीतीश कुमार के अंदर में नहीं है, नीतीश कुमार की बातों को नहीं मान रहे हैं बेंच डेस्क, वो भी जो है बाउंड्री को तोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन अगर ये तो अगर बच्चों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, तो ये तो एक अच्छी बात है कि यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, बच्चे अपने घर में हैं। लेकिन अगर ये दिन के वक्त हुआ रहता और बच्चे मौजूद रहते, तो एक ये बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन और जो बात करें, यहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम 2-3 मिनट पहले ही यहाँ से निकले थे, इसके बावजूद जो है लोग हैं यहाँ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो हमें ये बताइए भैया, जो लॉकडाउन जो है अब क्यों जो है यहाँ का बेंच डेस्क सब लॉकडाउन का बात नहीं मान रहा है, लॉकडाउन से तो भाग रहा है बेंच डेस्क, तो भाग रहा है तो भैया उससे मतलब नहीं, लेकिन हम इतना ही बोल रहे हैं कि अभी हम जस्ट यहाँ से बाइक निकल लेते हैं, जी बाइक यहीं पे लगा हुआ है सामने में,
जो कि कुछ ही देर में ट्रैक्टर गया, जो ट्रैक्टर गया तो उसकी आवाज़ से हुआ क्या कि भगवान जाने उसे मतलब नहीं है, लेकिन वो दीवार गिर गया। अगर मेरे गाड़ी पे यहीं पर रहता तो हमको भी क्षति होता और मेरे गाड़ी को भी क्षति हो जाता। तो मतलब आवाज से गिर जा रही है, आवाज से हरक रही है, तो मतलब वही ना बात, अब टूटा हुआ दीवार है, दरका हुआ दीवार है, गिरेगा ही, बात तो बात साफ है भैया। तो ये बात बताइए, ये तो विधायक जी के अथी में आता है, जो भी विधायक जी के अथी में नहीं होता है, ये दौड़ का स्कूल का प्रिंसिपल का जिम्मेदारी, ठीक है ना। नहीं तो ये जो किसी भी स्कूल का जो होता है बाउंड्री, वो तो विधायक के अथी के अंदर मरम्मत का बात है, तो बात की बात है, लेकिन हम इतना ही बोलेंगे कि जो भी है यहाँ का प्रिंसिपल को जब इतना सारा बार बार एडजस्ट किया गया, बोलने के लिए बोला गया कि भैया यहाँ पर दीवार टूटा हुआ है, इसको देखना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल यहाँ का नहीं देखा। और जो एक बड़ी बात है, यहाँ देखिए ना सर, जी जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, स्कूल की अगर बात हो रही है दिखा देते हैं। नहीं आप कहना क्या चाह रहे थे पहले मुझे ये बता दीजिए। जी एक मिनट निकलना मुश्किल यहाँ हो जाता है, पानी पूरा छूता है, गिरता है, यहाँ से निकलता है पूरा, देखिए यहाँ गली में आना जाना मुश्किल हो जाता है, पानी गिरता ही रहता है। आप यहाँ जी इसी में रहते हैं यहाँ जी, तो यहाँ जो है जैसे कंप्लेंट का पानी वगैरह वो गिरता है, तो आप कंप्लेंट कभी किए हैं स्कूल प्रशासन से? हम स्कूल प्रशासन से जाकर बोले थे, तो हमको बोले कि मतलब पूरा गर्म हो गए थे, वही इलेक्शन टाइम था, फोर्स लोग बैठे हुए थे जी, अंदर नहीं जाने दिए, हमसे बोला उसको यहाँ कौन जी सही बोला जी, हम कहते हैं हाँ चाहे हम बोल देंगे, लेकिन दिन से पानी ऊपर से गिरता है, पूरा पानी पैखाना आना जाना हम लोग को मुश्किल होता सर। तो और अगर बात कहें, यहाँ जो एक बड़ी बात हम देख रहे थे कि बैंक डेस्क जो है लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है, बाउंड्री को तोड़ के बाहर भाग रहा है, तो ये बैंक क्यों हो रहा है? बैंक डेस्क सपोर्ट में रखा गया है क्या, जो मतलब लग रहा है लॉकडाउन से उठ चुका है ये लोग भी क्या? तो कैसे कहें सर, लेकिन एक बड़ी बात है, आप था कि कभी भी खतरा हो सकता है, कभी भी, हम बोलना चाहते हैं कि कभी कोई लड़कने जा रहा, कभी भी गिर जाएगा, हाँ, जैसे कि अभी गिरा, कोई इस पर बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, स्कूल में कोई मतलब ही नहीं है लोग कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं लोग। खैर कोरोना का काल है, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का आप पालन कीजिए, लेकिन ये जो जैसा बेंच डेस्क कर रहा है, बाउंड्री को तोड़ के भाग रहा है बेंच डेस्क, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। बेंच डेस्क क्या करे, सरकार की बातें नहीं मान रहा है, सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो स्कूल के जो बेंच डेस्क है, स्कूल के जो चार दीवारी में जो ईंटें लगी हुई है, वो सरकार की बातों को क्यों नहीं सुन रहा है, इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले पे जो है इस पे FIR कर देनी चाहिए, स्कूल की जो ईंटें जो है ईंटों पर FIR कर देनी चाहिए कि वो सरकार की बातों को नहीं मानते हैं, सरकारी फरमानों को अनसुना कर देते हैं। पर देख रहे हैं, मैं सुमन हूँ, खबरों का सिलसिला तो लगातार जारी रखता है, यहाँ भारत लाइव पे लगातार जारी रहता है, तो आप देखते रहिए भारत लाइव, तब तक के लिए लेते हैं विदा, नमस्कार।